हृदय का जो दरवाजा है, हृदय का जो द्वार है, वो परमात्मा की ओर खुलता है। और मन का जो द्वार है, मन का जो दरवाजा है, वो संसार की ओर खुलता है। आप ध्यान लगाना जरा इस हृदय को शिव तक ले जाने के। पूरा राष्ट्र शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ललायित है। संपूर्ण राष्ट्र दो दिन से लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि शिव प्रसाद कथा की बड़ी उत्सुकता है कि शंकर जी के प्रसाद की महत्वता को हम जानेंगे। और ये भी मेरा विश्वास कहता है, प्रसाद खाने के बाद आनंद जरूर आता है, चाहे नाथद्वारे का प्रसाद खा लो, चाहे सांवरिया सेठ का खा लो, चाहे तिरुपति का खा लो। यदि प्रसाद खाने के बाद आनंद प्राप्त होता है, जरूर उसका फल मिलता है, तो एक बात निश्चित है कि शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद भी तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होने वाला है, ये निश्चित। बस उसको आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से उसको रमाओ। आप जितना हृदय से सुनेंगे, आप जितना हृदय से श्रवण करेंगे, पीछे की साउंड की आवाज बढ़ा दीजिए, सबसे पीछे, और पीछे की एलईडी की भी चालू कर दीजिए। आप जितना चित्त को, हृदय को, मन लगाकर, इस चित्त को लगाकर जितना श्रवण करेंगे, उतना सुख का अनुभव होगा। महाराज, शिव महापुराण की कथा कह रही है, नींद आ रही है और बच्चे सोने नहीं दे आपको, तो आप बच्चे को डांट सकते हो। ये आपको पहले भी एक बार प्रसंग में कहा था, नींद आ रही है और भरचक आ रही है और बच्चे सोने नहीं देंगे आपको, तो आप बच्चे को डांट सकते हो। पर नींद आ रही है और मक्खी कान में भिन भिन कर रही है, या मक्खी तुम्हारे सामने आकर घूम रही है, तुम्हें सोने नहीं दे रही है, तो क्या तुम मक्खी को डांट सकते हो? अरे बोलो तो जरा, बड़ोदरा वाले, डांटोगे? नहीं। फिर क्या करोगे? बच्चे सोने नहीं देंगे तो बच्चों को डांटा जा सकता है, पर मक्खी सोने नहीं देगी तो मक्खी को डांटा नहीं जा सकता। एक काम कर सकते हो कि चद्दर ओढ़ लोगे, रजाई ओढ़ लोगे, या फिर मच्छरदानी लगाकर मुंह को ढककर सो जाओ। इसको समझदारी कहते हैं, इसको विद्वत्ता कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मक्खी को ना हम डांट रहे हैं, मक्खी को ना हम भगा रहे हैं। मक्खी से बचने का तरीका हमने ढूंढ लिया कि मुख पर चद्दर ओढ़ लो और रजाई ओढ़ लो या मुख ढाक लो, तो आप, मक्खी आपको परेशान नहीं करेगी। उसी तरह संसार सागर में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, कबीले में, परिवार में, अगर ये मन भटक रहा है, और ये संसार के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग जितने भी हैं, ये आपको भटका रहे हैं, आपके मार्ग से आपको हटा रहे हैं, तो शिव महापुराण की एक चादर एक दिन ओढ़ कर सो जाइए, अपने आप ये मक्खियां भिन भिनाना बंद कर दो।
इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस हृदय को आप परमात्मा में लगाना प्रारंभ कर दो। आप उस परमात्मा के पास में इस चित्त को ले जाना प्रारंभ कर दो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छटी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। इस चित्त को जब ये भटक रहा हो, ये मन जब भटक रहा हो, ये हृदय जब भटक रहा हो, तब उसके लिए सबसे सुंदर साधन है भगवान का भजन, भगवान की अविरल भक्ति। शिव महापुराण की कथा कर रही है, एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपनी संगत से भटक गया था, अपनी संगत से भटक गया, और संगत से भटकने के बाद वो शिव मंदिर में थोड़ा सा धन चोरी कर शंकर के मंदिर में जाकर बैठा। शिव मंदिर में जाकर वो बैठा। अब शिव मंदिर के अंदर जब वो जाकर बैठा, शरीर में ताप था, शरीर ताप के कारण तकलीफ भोग रहा था। एक ब्राह्मण देवता उसी मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे। ये सब कथा आपने इस व्यासपीठ के माध्यम से बार बार सुनी है, पर कथा का जो नियम है उसके अनुसार महत्तम का जो वर्णन है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। ब्राह्मण का कर्म था कथा कहना, तो ब्राह्मण अपने आनंद के साथ उस कथा को कह रहा है। अब देवराज नाम का ब्राह्मण उस कथा को कितना ले रहा है ये उसके ऊपर। देवराज नाम का ब्राह्मण उस कथा को कितना प्राप्त कर रहा है ये उसके हाथ में। ₹100 लगाकर आटो में, ₹150 खर्च कर आटो में आप इतनी दूर कथा सुनने के लिए आए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना प्राप्त कर रहे हैं भगवान शिव से, आप कितनी दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से कह रहे हैं और भगवान शंकर से अपने हृदय से गुणगान कर रहे हैं। आपने लगाया ₹100 ऑटो में खर्च कर दिया, उससे कह दिया भैया मुझे वहां तक छोड़ आना, वो छोड़कर चले भी गया। आपने पति से भी कह दिया कि मुझे वहां तक छोड़ आ, मुझे वहां तक ले जाओ। आपने अपने बच्चों से कह दिया मुझे कथा के स्थान तक छोड़ आ, छोड़ने का काम उनका था, वो छोड़कर चले जाए। भेजने का काम उनका था, उन्होंने भेज दिया। अब जितने लोग इस कथा में श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इन पंडालों के अंदर, दोनों तीनों पंडाल और जो बाहर के पंडाल हैं उनके अंदर, जहां जहां आप लोग बैठे हुए हो, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना ग्रहण कर रहे हो, कितना प्राप्त कर रहे हो। ₹21,600 प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से निकलती है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है,
और 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकल रही है, और उस श्वास का बस यही एक क्रम है कि निकलने वाली श्वास तो निकल रही है, श्वास आना जाना तो चालू है, पर हम उस 21,600 श्वास में से कितनी श्वास में हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम कितनी श्वास परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, हम कितनी श्वास में भगवान भगवत नाम का, भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। यहां मंडपिया से सांवरिया सेठ मंदिर से स्वयं सांवरिया जी पधारे हैं, ब्राह्मण देवता सांवरिया जी को लेकर पधारे हुए हैं, पुजारी जी खुद भगवान सांवरिया जी को लेकर पधारे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम सांवरिया जी का दर्शन किस भाव से करते। हम किस भाव से भगवान को प्राप्त करते हैं? कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर तक चले जाते हैं, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर तक गया है, मंदिर के अंदर भी पहुंच गया है, मंदिर की चौखट पर भी पहुंच गया है, मंदिर के अंदर जाकर बैठ भी गया है, पर मंदिर के अंदर बैठने के बाद भी उसका चित्त नहीं लग पाया, उसका मन नहीं लग पाया, उसका हृदय नहीं लग पाया। पहुंचने से क्या है, पहुंचने को तो तुम कहीं पर भी पहुंच जाओ, पर दिल भी तो लगना चाहिए, हृदय भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। पहुंच गए मंदिर तक, देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर में जाकर बैठ भी गया, पहुंच भी गया, और ब्राह्मण जो शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं, ब्राह्मण जो शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं, वो ब्राह्मण जय घोष भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बार बार ब्राह्मण कर रहा है हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। अब वो चिल्लाए भी, आवाज लगाए भी, बोले भी, पर देवराज की चित्त वृत्ति, देवराज का मन वह नहीं पहुंचा, उसको तो ताप है शरीर में, कष्ट है उसके शरीर, मन नहीं लग पा रहा उसका, हृदय नहीं लग पा रहा उसका। तब देवराज मंदिर से बाहर निकल गया, उसने कुछ लिया नहीं है उस मंदिर से, उस मंदिर से उसने कुछ प्राप्त नहीं करा, उस मंदिर से उसने कुछ लिया नहीं। मंदिर से बाहर देवराज पहुंच गए, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। अभी भी उसका मन, अभी भी उसकी चित्त वृत्ति भगवान के प्रति नहीं है। ब्राह्मण देवता ने जो शिव महापुराण की कथा कही, उसमें उसको लगा कि महाराज बार बार क्यों चिल्ला रहा है, हर हर महादेव क्यों बोल रहा है, और इतनी तेज तेज हर महादेव बोल रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, और वो चल दिया। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, शिव महापुराण का कुमार खंड कह रहा है, यदि शिव महापुराण की कथा जहां होती है, जिस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र से निकलकर कोई व्यक्ति अगर अनायास अंदर कथा स्थल तक पहुंचा भी नहीं है, वो भगवान की कथा में पहुंचा भी नहीं है, वो कथा में गया ही नहीं है, उसके बाद भी वो व्यक्ति केवल मार्ग से बाहर से निकल कर जा रहा है, और कोई कथा श्रवण कर जाने वाले व्यक्ति या कथा के मार्ग से जाने वाला व्यक्ति उसके सम्मुख में अगर आ भी जाता है और उसकी भूल से भी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, तो उसकी 71 पीढ़ी आपरूप तर जाती है। मात्र शिव महापुराण के कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाले जीव का दर्शन मात्र से ये जीव फल प्राप्त कर जाता है। अब इतने सारे आप लोग पधारे हो ढेर, अब इतने सारे आप लोग आए हैं कथा सुनकर, जिस ऑटो में बैठकर जाओगे, गाड़ी में बैठकर जाओगे, कोई अगर कथा में नहीं भी आया है ना, तो वो गाड़ी में बैठे हो ना, तो उस गाड़ी में भी अगर तुम्हारे कपड़े का स्पर्श भी हो गया, तुम्हारे से छूकर कोई हवा उस तक पहुंच भी गई,
तो आप जरा विचार करो, इतने आए हो, और जो बड़ोदरा के नी भी आए ना, ये निश्चित है शिव महापुराण की कथा उन तक का कल्याण करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये पवन, ये हवा, और आप जिस मार्ग से, जिस कॉलोनी से, जिस सोसाइटी से, जिस रास्ते से आए हो, वहां तक तो जाओगे, अपने घर तक तो पहुंचोगे। और ऑटो वाला कहां तक छोड़ देगा तुमको? नीचे तक, बिल्डिंग तक तो जाओगे। उस बिल्डिंग तक पहुंचने में भी तो 8-10 घर पड़ेंगे, 8-10 घर में तुम्हारे पांव की रज तो गिरेगी, और गिरेगी तो कल्याण तो करेगी। अभी की कथा हुई थी इंदौर में, तो हमने कहा था वो कोरोना की जो बीमारी होती है ना, उसकी जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है, जो बीमारी है, कैसे फैलती है? छुआछूत से। तुमने कोई का कपड़ा छू लिया, बीमारी लग गई। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है। तुमने कभी हाथ लगा लिया, बीमारी हो गई। कोई गेट छू लिया, बीमारी हो गई। हॉस्पिटल का कोई सामान छू लिया, बीमारी हो गई। सब्जी का बैग उठा लिया, इसलिए पहले जब जैसे ही कोरोना चला तो पहले ही मना कर दिया कि साफ बंद कर दिया। बंद करने का कारण क्या था? तुम्हें घर में लाकर बिठा दिया कि तुम कहीं जाओगे नहीं तो छूओगे नहीं। पर फिर भी लोग इतने चतुर हैं कि इनका तो मन ही नहीं करता ना बिगर जब तक घर से नहीं निकल जाए। तो कैसे भी मैं अब भी घूम के आया, भले कोई नहीं निकला तो भी गाड़ी से भुर भुर करके आप कह रहा मैंने तो किसी को छुआ ही नहीं, कहां गया था? बस बाजार, पेट्रोल पंप चालू था, हाँ, पेट्रोल डलवाया, हाँ, मैंने तो किसी को छुआ ही नहीं, पेट्रोल डलवाया, डालने वाले ने ढक्कन बंद करा, गाड़ी टच हुई, तूने अंदर बैठा, पैसे का लेन देन करा, बोले छुआया कि नहीं छुआया? भले तुम्हारी दृष्टि में नहीं आया कि मैंने किसी को छुआ ही नहीं, तुम तो बिल्कुल कड़क, मैंने किसी को नहीं छुआ। कई लोग कहते हैं मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, भगवान ऊपर से देखता रहता है, अरे ओ भेरू। भगवान भी कहता है मुझे सब मालूम है, तू ये मत सोच कि तूने किसी का बुरा नहीं करा, मेरे को सब मालूम है। अभी 3 दिन पहले की बात है, बैठा हुआ था बाहर गार्डन में, और बैठे बैठे एक मच्छर तेरे ऊपर आके बैठ गया, और तूने अब बोल रहा है कि मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया, निपटा है कि निपटा है? अब कहे लोग कहने वाले, मैंने किसी को नहीं छुआ, इसके बाद भी हमारे घर में बीमारी आ गई, समझ में नहीं आया, फिर भी कोरोना आ गया। स्पर्श मात्र से अगर कोरोना बीमारी फैल सकती है तो ये शिव महापुराण की कथा कह रही है, सुनकर जाने वाले के मात्र स्पर्श दर्शन, उसके चरण की रज से भी मेरे शिव की करुणा हो सकती है, कृपा हो सकती है, ये निश्चित। बिल्कुल निश्चित। प्रसाद, शिव महापुराण की कथा चल रही है, और प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद जो अपन लिखते हैं प्रसाद, उसका मतलब ही केवल इतना है कि प्रभु का साक्षात दर्शन। आप जरा विचार करिएगा, बहुत अच्छे से कथा सुनना, ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा प्रसाद शिव महापुराण की कथा है, पूरा देश सुनने के लिए बैठा हुआ है, और बड़ी ललकता से लोग फेसबुक यूट्यूब तक चालू कर करके बैठे हैं कि हमें प्रसाद की महत्वता समझना है। तो पहले तो सबसे पहले देवराज की कथा से प्रसाद की शुरुआत करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं कि प्रसाद की मूलता क्या। प्रभु का साक्षात दर्शन। अब विचार करिएगा, तुम बद्रीनाथ नहीं गए, तुम्हारा रिश्तेदार बद्रीनाथ गया और बद्रीनाथ से प्रसाद लेकर आया और तुम्हें दिया, बोलो दिया कि नहीं दिया? चलो जाने दो, अभी ये भी जान दो, आज की ही बात देख लो, हमारे बहेड़िया परिवार में हम लोग रुके हुए,
अब आज हमारी ट्रेन भी लेट हो गई 3-4 घंटा। अब भगवान भी पूरी परीक्षा लेता है, जो आने वाली थी सुबह 7 बजे वो आई सुबह 10-11 बजे। अब पहुंचे फिर लाडले के लाड लड़ाया, ठाकुर जी की सेवा करी, भोलेनाथ जी का पूजन किया, मंत्र जाप स्मरण कर कथा की तैयारी, कथा में पहुंच गए। फिर पूछा जजमान से, क्यों कितनी देर का रास्ता है? बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा है इन सबकी रिश्तेदारी यमराज से नहीं है, नहीं तो ये यमराज इनसे पूछ ले क्यों रे कमला भाई को लेके जाना है, कितनी बजे आऊं? बस 10 मिनट में आ जा। और मालूम पड़े कमला भाई उससे पहले की भग गई राम जी, अब इसका क्या ठिकाना। अब ये बोले 10 मिनट का रास्ता है गुरु जी, स्टेशन से चले थे जब भी यही बोले थे 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, और घर से चले भी कथा स्थल तक तो भी यही बोले 10 मिनट में कथा स्थल। और मालूम पड़े घड़ी का कांटा देख 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 देख। अब हमने सोचा कि टाइम पे पहुंच जाए तो कम से कम ये इतने पत्र आते हैं तो पढ़ने में आ जाते हैं, अब टाइम पे पहुंचे ही नहीं तो पत्र क्या खाक पढ़ो। अब 10 मिनट में इतने में वो बच्चा गाड़ी चला रहा था, क्या नाम उसका, हम तो नाम स्मरण नहीं है हमको इतना, हमने उससे कहा जरा जल्दी चलाओ, उसने आगे वाले को फोन लगाया जरा जल्दी चलाओ, आगे वाले को लगाया जल्दी चलाओ। सबने लगा दिया पर चला कोई नहीं, सब वैसे की वैसे ही चले, और ऊपर से बच्चा कुचा था तो बाहर लगा दिए ने ढोल वाले। अब हमारे मन में आया भगवान अच्छी आज तो खुद परीक्षा लिए तूने, 10 मिनट का कहकर आधा घंटा निकाल दिया, और बचा कुचा था तो ढोल लगाड़े लाके खड़े कर दिया। अब इनके बीच में थोड़ा, अब बेचारे इतनी देर से ढोल बजाए, अपन उनको नींव भी देखो तो उनको भी बुरा लगे, पता गुरु जी आया और फूला फूला चले गया तो मन लगता तो है। तो अब उनका भी बजा लो तुम तो बजा लो। अब ढोल वालों की भी आदत, दूल्हा सामने रहे तो और दम दम के बजाए, अब ढोल वाले भी बजा, उनको सा तो बड़ा, इसका नाम बिल्कुल सही है बड़ोदरा ही अच्छा है, एकदम बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया। अब विचार करा जाए जरा, एक विचार अपने चित्त में आए, कोई नाथ द्वारा गया, नाथ द्वारा से प्रसाद आया, हम जहाँ पर बहेड़िया जी के यहाँ रुके हुए हैं वहाँ प्रसाद भी पहुँचा, आज बाबा की कृपा थी श्री जी बाबा की तो प्रसाद पहुँच गया। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रभु का साक्षात दर्शन तो है, मना नहीं है कि प्रभु का साक्षात दर्शन नहीं, प्रभु का साक्षात दर्शन तो है, पर प्रसाद लेकर आने वाला, प्रसाद देने वाला, प्रसाद पहुंचाने वाला, ये सब कौन कौन है? बद्रीनाथ जाने वाला बद्रीनाथ गया, नाथ द्वारा जाने वाला नाथ द्वारा गया, सांवरिया जी जाने वाला सांवरिया जी गया, एकलिंग जी जाने वाला एकलिंग जी गया, कांकरोली जी जाने वाला कांकरोली जी गया, सोमनाथ जाने वाला सोमनाथ गया, जाने वाला जा रहा है, और लाकर प्रसाद तुम्हारे हाथ में दिया, उसका सार तत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा, शिव प्रसाद शिव पुराण की कथा कहती है, जब भगवान के मंदिर का प्रसाद अनायास, हमने सोचा ही नहीं था कि नाथ द्वारा का प्रसाद आ जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था कि बद्री विशाल का प्रसाद आ जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था कि सोमनाथ जी का प्रसाद आ जाएगा, अचानक अगर प्रसाद हमारे घर पर, हमारे द्वार पर, हमारे घर के अंदर, हमारी हथेली पर, हमारे हाथ में या हमारे परिवार में प्रसाद अगर आ रहा है तो ये विश्वास मानकर चलना कि मेरे श्री जी बाबा को, मेरे बद्रीनाथ जी को हिचकी आई है, वो तुम्हें याद कर रहा है कि तू भी चल कर।
उसको याद, उसने प्रसाद के माध्यम से, प्रसाद देने के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से उसने ये खबर करवा दी। प्रसाद के माध्यम से उसने सूचना करवा दी कि ये प्रसाद मैं भेज रहा हूं, इसका मतलब ये है कि केवल कि आप मेरे नजदीक तक, आप मेरे करीब तक आ जाइए, आप मेरे पास आए। महाराज, प्रभु का साक्षात दर्शन। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर जब जाने लगा, मंदिर से बाहर निकलकर, जब देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर जा रहा है, ब्राह्मण ने हर हर महादेव कर आवाज लगाई है, और आवाज लगाकर ब्राह्मण ने शब्द कहा, अरे बांधव थोड़ा रुकिए। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर से निकल रहा है, उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, बांधव जरा रुकिए, आप रुको थोड़ा। बांधव रुको जरा। और देवराज नाम के ब्राह्मण ने पलट कर देखा, मुझे किसने रोका है, कौन मुझे रोक रहा है, कौन मुझे रोक रहा है। पलट कर देखा, और जब पलट कर देखा कि कौन मुझे रोक रहा है, तब देखा कि जो ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, जो ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की कथा का वाचन कर रहे थे, जो ब्राह्मण देवता शिव महापुराण का वाचन कर रहे हैं, वो ब्राह्मण देवता मुझे रोक रहे हैं और कह रहे हैं, बांधव थोड़ा सा रुक जाइए, बांधव थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुक जाइए। देवराज ब्राह्मण रुका नहीं, यही की यही कथा, यही की यही चरित्र, यही की यही संवाद, यही की यही कथा आपको सत्यनारायण भगवान की कथा में भी प्राप्त हो जाती है। यही की यही भगवान सत्यनारायण की कथा में भी आपको ये प्राप्त हो जाता है। यदि आपने श्रवण करी हो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, तो उसमें आपको ज्ञात होगा सत्यनारायण भगवान की कथा में कि एक राजा अपने राज्य से निकलकर जा रहा है, वन में भ्रमण करता करता जा रहा है, वन में डोलता हुआ जा रहा है, और वहां सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, और पूजन होते हुए देखकर उसने प्रणाम ना करा, प्रसाद दिया उसने प्रसाद ग्रहण नहीं करा, और उस प्रसाद को छोड़कर चल दिया, प्रसाद की अवज्ञा हो गई, उसका राज सत्ता नष्ट हो गया। अर्थात प्रसाद की अवज्ञा से मतलब क्या, प्रसाद को स्वीकार नहीं करना, प्रसाद को स्वीकार नहीं कर। महाराज शिव महापुराण की कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। अब जैसे देवराज ब्राह्मण के सम्मुख में बार बार आवाज लगाकर कहा गया, शब्द कहे गए, देवराज ब्राह्मण के सम्मुख में फिर आवाज लगाकर कहा, अरे बांधव रुको, ए बांधव रुको, उसके बाद भी देवराज नाम का ब्राह्मण नहीं रुका, वो अपने गंतव्य की ओर, अपने मार्ग की ओर चलता आ जा रहा, चला जा। अब देवराज ब्राह्मण ने पलट कर जरूर देखा पर रुका नहीं है, और वो देवराज ब्राह्मण एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा, वहां जाकर विराजमान हुआ, तब समय आया, और ये कथा आप लोगों ने सुनी है कि यम के दूत आ रहे थे, उनको रोककर भगवान शंकर के गण आ गए, भगवान शिव स्वयं आ गए, और भगवान शंकर स्वयं आकर उनको लेकर जाने लगे, भगवान स्वयं उनको लेकर जाने लगे। बोल विश्वनाथ भगवान की। प्रसाद के लिए ब्राह्मण देवता ने भी आवाज लगाई थी कि बांधव रुको, रुका नहीं, चले गए।
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गया। प्राण छूटे, भगवान शिव का धाम प्राप्त हो गया। अब एक बात थोड़ा सा स्मरण में रहे आपके और हमारे। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कर, शिव मंदिर में जाओ, शंकर जी की चौखट पर जाओ, शिव के द्वारे पर जाओ, शिवालय में जाओ। तो शिवालय में पहुंचकर आते आते एक बार भगवान देव अधिदेव महादेव को वापिस पलट कर दर्शन कर कर फिर आए, वापिस पलट कर एक बार फिर दर्शन कर कर शिव की चौखट तक जाकर, शिवालय पर जाकर आप आ रहे हैं, दर्शन कर लिया, पूजन कर लिया, आराधना कर ली, या तो उनकी देहली पर बैठ जाओ, थोड़ी देर उनकी चौखट के बाहर बैठ जाओ, या फिर पलट कर एक बार फिर दीदार कर, फिर घूम कर दर्शन। जब हम द्वार पर से घूमकर भगवान का दर्शन करते हैं तो मणिभद्र की कृपा, भगवान शिव का जो द्वारपाल है मणिभद्र, उसकी कृपा हम पर जरूर होती है, उनकी उदारता, उनकी दया हम पर जरूर होती है, ये निश्चित है। शिव कृपा कर रही है, शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर को जो चीज समर्पित होती है, भगवान शिव को जो समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को जो चढ़ाया जाता है, शिव से वापिस हम जो प्राप्त करते हैं, वो शंकर भगवान की औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, किसी संत के दरवाजे पर, किसी सदगुरु के द्वार पर, भगवान की चौखट पर, भगवान के मंदिर में, देवालय में जब हम जाते हैं, तो हम संत के द्वार पर जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ उस संत के द्वार से बन सके तो आप वहां से जो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, जो आप प्राप्त कर कर ला रहे हैं, वो केवल प्रसाद नहीं होता, केवल प्रसाद नहीं है। शिव महापुराण की कथा ये तक कहती है कि केवल वो प्रसाद नहीं है, यहां तक शिव पुराण कह रही है कि जिस संत के द्वार का हम वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, जिस मंदिर का हम वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, वो प्रसाद ही नहीं रहता केवल, वो औषधि भी निर्मित हो जाती है अगर भगवान के श्री विग्रह से वो स्पर्श मात्र हो जाए तो, औषधि भी हो जाती। वो एक औषधि के तुल्य भी है। कभी सांवरिया जी जाएं, कभी नाथद्वारा जाएं, कभी काकरोली जी जाएं, कभी सोमनाथ जी, कभी तिरुपति जाएं, कभी द्वारका जी जाएं, आप होटल में भोजन करो मना नहीं है, करते ही हो, जाकर आप बुकिंग करेंगे, होटल में रुकेंगे, धर्मशाला में रुकेंगे, भवन में रुकेंगे, तो बाहर भोजन करेंगे। पर कभी अगर मौका लग जाए द्वारकाधीश जाने का, सोमनाथ जाने का, या नाथद्वारा जाने का, या सांवरिया जी, या जहां आप जाते हैं, काकरोली जी, एकलिंग जी, जहां जाए वहां जाकर आप एक बार पूछें, क्यों साहब आप उनसे विनती कर सकते हैं कि साहब हमको यहाँ पत्तल प्रसाद मिल सकता है, या थोड़ा सा पत्तल प्रसाद प्राप्त हो सकता है क्या? आप उनसे निवेदन कर सकते हैं, आप उनसे कर सकते हैं। और निवेदन, जैसे चार जगह शादी हो रही है, अब समझ लेना जरा, चार जगह पर शादी चल रही है और एक जगह पर
कहीं अन्नकूट महाप्रसाद चल रहा। तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि वो चार जगह पर 56 भोग क्यों ना बनाओ, उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पर कहीं अन्नकूट की महाप्रसादी अगर हाथ में भी प्राप्त हो रही है तो वो हमको औषधि प्रदान कर देगी, वो हमको सुख प्रदान कर देती, वो हमको अमृत तत्व प्रदान कर देती, वो हमको अमृत तत्व दे जाते हैं। अब देवराज नामक का ब्राह्मण जब चला, ब्राह्मण ने आवाज लगाई, बांधव रुको, देवराज नहीं रुका। जब देवराज दहली से बाहर हो गया, दरवाजे से बाहर हो गया, द्वार से बाहर हो गया, शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था, शरीर में ताप पड़ने के कारण जब वो दरवाजे से बाहर निकला, उस समय पर देवराज नाम के ब्राह्मण को वहां पर कुछ सामग्री, जैसे आपको पहले भी कथा में कहा कि शिव जी को जो चढ़ता है, शंकर भगवान को जो समर्पित होता है, बेलपत्री शिव जी को जो समर्पित होती है, जल जो शिव जी को समर्पित होता है, वो थोड़ा सा कहीं चरणामृत के रूप में, थोड़ा सा कुछ पंचामृत के रूप में देवराज नाम के ब्राह्मण को भी प्राप्त हो गया। बहुत अंतर है महाराज, देवराज नाम के ब्राह्मण ने वो चरणामृत, वो पंचामृत जो द्वार पर मिल रहा था शिव मंदिर के, उसको लिया जरूर है पर उसको पान नहीं करा, उसको छोड़ दिया गया, एकांत में कहीं ले जाकर उसको डाल दिया गया। अब जरा ध्यान देना, कितना कितना हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है कि मान लो आपके सामने सांवरिया जी का प्रसाद आ गया, नाथद्वारे का प्रसाद आ गया, बद्रीनाथ का प्रसाद आ गया, द्वारका जी का प्रसाद आ गया, तिरुपति का प्रसाद आ गया, या 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग का प्रसाद आ गया, और मान लो आपका व्रत है और आप वो प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते, तो फिर क्या करोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है उसको हाथ में लेकर मस्तक से लगाकर भले आप दूसरे को प्रदान कर दो, पर प्रसाद अगर तुम्हारे पास में आया है तो उसका स्पर्श जरूर करिए, उस स्पर्श मात्र से भी आपको सुख का अनुभव होगा, मात्र स्पर्श मात्र। और चलो सहज भाषा में, शिव मंदिर के बाहर आ रहे हो, शंकर की चौखट से बाहर आ रहे हो, शंकर भगवान के द्वार से बाहर आ रहे हो, पीछे पलट कर देख लिया ठीक है, नहीं पलट कर देखा तो दहली पर भी अगर आपने हाथ फेर लिया और द्वार पर भी यदि आप हाथ फेर कर हृदय से लगाकर मस्तक से लगाकर वापिस आ भी जाते हो तो उसमें भी प्रसाद का ही फल प्राप्त होता है, शिव की चौखट पे प्रसाद का फल मिल जाता है। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी काटो दया करी ने दर्शन, एकमात्र प्रसाद का सम्मान, आदर, सत्कार और उसका फल हमारे जीवन में सुख प्रदान कर जाता। श्रीमद् भागवत, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी को संतान नहीं है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपने प्राणों को त्यागने गया, ये श्रीमद् भागवत कहती है, और जाते जाते एक संत मिल गए, संत के चरण पकड़ लिए, बाबा मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप कृपा करेंगे? होगी, संत हाँ, तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। अब देखिए प्रसाद में क्या बल होता, जरा विचार करिएगा, जरा तेरे यहां 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है, आत्मदेव ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिया है, आप कृपा करोगे तो संतान तो होगी, ये निश्चित है, आप अगर करुणा करेंगे, आप दया करेंगे तो मुझे संतान प्राप्त होगी, ये निश्चित था, आप कृपा करिए। कहा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, तब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा संत की जो झोली होती है वो खाली नहीं होती है, उस झोली में संत के पास
भले कुछ ना हो पर वो झोली में कुछ ना कुछ भरा जरूर होता है। मैं जानता हूं आपकी झोली में जरूर कुछ होगा और आप मुझे प्रदान करेंगे, ये निश्चित है, आप मुझे देंगे। देखिए अब होता है कोई कोई आपको, कई लोग मिलेंगे जो आशीर्वाद भी दे देंगे, कई लोग मिलेंगे जो आपको बेल भभूति भी दे देंगे, कई लोग मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ अपने पास से निकालकर आनंद की कोई वस्तु भी दे देंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के पास जाओगे, शिव के द्वार जाओगे, तो भगवान शंकर को आपने केवल एक लोटा जल जो चढ़ाया है, शिव को जो बेलपत्र समर्पित करी है, शिव को जो एक दावना चावल का समर्पित करा है, शंकर को एक फूल की अगर पंखड़ी भी चढ़ाई है, तो शिव कथा कहती है आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप पात्र लेकर घर जाएंगे तो शिव खुद उसको भरकर भेज देता है, उसमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसका प्रमाण देखिए, एक पत्र आया है, मेरा नाम मंगलाबेन शशिकांत ताबे है, हम बड़ोदरा मकरपुरा में रहते हैं। कहीं बैठी हूँ मंगलाबेन शशिकांत जी ताबे, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा इस तरह से दोनों, अगर कहीं बैठी हूँ तो। अब दोनों तीनों पंडाल में हमारी दृष्टि तो कहीं जा नहीं रही होगी, आप लोगों को अगर कहीं दिखती हो और हाथ हिलाएं तो अवश्य कैमरे वाले उनका स्मरण करें। मेरा नाम मंगलाबेन शशिकांत तांबे है, हम बड़ोदरा मकरपुरा में रहते हैं। मैं गायन के हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती हूं। मेरी बेटी की शादी को 7 साल हो गए, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। हमने बहुत इलाज किया, उसे एक बार ट्यूब में गर्भ रहा तो ट्यूब निकालनी ही पड़ी, उसकी एक ही ट्यूब थी। सभी डॉक्टर कह दिए थे कि इसको आईवीएफ करवाना पड़ेगा तो ही बच्चा होगा। हमने 2 बार उसको आईवीएफ भी करवाए, फिर भी नहीं हुआ। बाबा मुझे बेटी की बहुत चिंता थी, मैं 20 साल से सबकी डिलीवरी करवा रही थी हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी नौकरी थी, सबको संतान होती, मेरी बेटी की यहाँ कोई संतान ना। सोनोग्राफी सेंटर में मेरी बेटी भी नौकरी करती है, सबका रिपोर्ट बताती है, पर उसको भगवान ने संतान नहीं दी बाबा। एक दिन मेरी जेठानी ने बताया कि हम उसे सीहोर लेके जाते हैं। जेठानी आपकी कथा 2-3 साल से सुनती थी और हम भी सुनने लगे और हमारी बेटी को सीहोर लेकर गए। 26/2/2022 को सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे, वहां आपकी कथा 26/2/2022 को चल रही थी। मैं बाबा को बोल के आई, बाबा भोलेनाथ कृपा करना, कंकर शंकर की पूजन करके आई, आप तो दुनिया का भाग्य बदलते हो, मेरी बेटी के यहाँ संतान दे दो। वहां से आए सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय जो शिवरात्रि पर आपने कथा में कहा था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया था, वो सब हमने करा और बाबा की कृपा उदारता इतनी रही, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी 26/2/2022 को हम सीहोर गए और 26/6/2022 को उसे गर्भ ठहर गया। हमने 20 दिन बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इसके गर्भ में संतान है। गुरुदेव बाबा से विनय, बाबा से निवेदन, 6ठा महीना बाबा की कृपा से, बाबा की उदारता से चल रहा है और बच्चा भी स्वस्थ है और उसकी माँ भी स्वस्थ है। बस ऐसी कृपा करना कि उसके गर्भ से संतान सुखी हो, ये शिव है। अब देखिए 26/2/2022 को कुबेरेश्वर गए और 26/6/2022 को गर्भ ठहरे। पुराण का मूल प्रसाद है शिव कथा, और आप लोगों से भी निवेदन है ये जो कथा का प्रसाद मिलता है यही प्रसाद हमको जनमानस तक पहुंचाना है और इसी प्रसाद से ही बाबा कृपा कर सकता है, उसका जो आनंद है वो हमें प्राप्त हो सकता है, हमें किसी आडंबर की या कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
हमें तो केवल देवाधिदेव महादेव के दर्शन करना, उसकी भक्ति धारण करना, उसका आनंद प्राप्त करना। उसका भजन प्राप्त करना। शिव कथा कर रहे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण श्रीमद् भागवत में कहा संत के चरण पकड़ लेता है और संत से कहता है आप अगर कृपा करेंगे तो मेरे को अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, आप करुणा करिए, आप कृपा करिए, आप दया करिए। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारे यहां 7 जन्म तक संतान नहीं है, संत की झोली खाली नहीं रह सकती, ये मैं जानता हूं, आपकी झोली कभी खाली नहीं होगी। संत यदि साधु गुरु ब्राह्मण संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक मात्र अपनी दृष्टि ही दे देते हैं तो वो भी किसी प्रसाद से कम नहीं होती, उनकी दृष्टि से भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। आप केवल अपनी दृष्टि ही दे देंगे तो कृपा होगी। पकड़ लिया संत का चरण, नहीं माना, संत ने अपनी झोली में से फल निकाल कर दिया, ये श्रीमद् भागवत कहती है। वो फल देकर कहा ये तेरी पत्नी को खिला देना, और वो फल प्रसाद का मिला था, और वो फल प्रसाद का उसने अपनी पत्नी को दिया और कहा गर्भ ठहर जाएगा। और पत्नी ने क्या करा, आप लोगों ने तो खूब भागवत सुनी, बड़ौदा में तो खूब भागवत होती बड़ौदा के अंदर, फिर क्या हुआ वो फल उसने किसको खिला दिया, जम के बोलो जरा, गाय को खिला दिया। अब वो गाय से जो संतान हुई वो गोकर्ण हुई, और इसको संतान नहीं हुई तो इसने अपनी सहेली से संतान को ले लिया, उसका नाम धुंधकारी हो गया। एक जरा सा प्रसाद का अपमान हुआ था, और वो प्रसाद का अपमान इतना हुआ कि धुंधली को कुएं में कूद कर अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। एक बात आप लोगों से थोड़ा सा कहना चाहेंगे, थोड़ा अगर आप लोगों को अच्छी लगे जिंदगी में तो उतारिएगा जरूर। हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है शंकर भगवान का जो प्रसाद होता है, चलो शिव पुराण का नहीं मानो तो स्कंद पुराण का मान लो, 16 सोमवार संकट सोमवार, आप में से किसी ने करें 16 सोमवार कोई करें, यहाँ पर संकट सोमवार किसी ने व्रत करें, करें बहुत से लोगों ने, रखो रखो 16 सोमवार संकट सोमवार के अगर कोई व्रत करता है, 16 सोमवार के व्रत करता है तो उसमें जो प्रसाद बनता है चूरमे का, और जब उद्यापन होता है उद्यापन में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद को उसी दिन समाप्त करना पड़ता है। उसी दिन रात भर शिव का प्रसाद नहीं रखा था, ये अब तो बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ होने लगी इसलिए बेलपत्री व्यासपीठ से देना बांटना बंद कर दिया, नहीं तो पहले सा शिव महापुराण के अनुसार 6 दिन तक व्यासपीठ पर शिव पोथी पर जो बेलपत्र चढ़ती है वो बेलपत्र औषधि का कार्य करती, 7वें दिन जो बेलपत्र चढ़ती है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है, ये शिव महापुराण में आपने कई बार सुना होगा। 6 दिन तक बेलपत्र जो बाबा को समर्पित कर पोथी की बेलपत्र पहले हम लोग दे दिया करते थे, किसी का कमर या बहुत ज्यादा कोई डिप्रेशन में रहता था या कोई का शरीर में बहुत कहीं डायलिसिस चल रहा है या कैंसर चल रहा है तो यहाँ की बेलपत्र दे देते। अब इतना भीड़ होने लगा तो बेलपत्र आपको नहीं दे पाते, पर शिव महापुराण की कथा करें, शंकर भगवान का चरित्र करा, शिव स्मरण कर, कि मात्र बेलपत्र का दर्शन ही, शिव प्रसाद का मात्र स्पर्श ही हमको सुख देता है। और हम जब व्यासपीठ से बेलपत्र देते थे तो हम एक बात जरूर कहते थे कि इस बेलपत्री को रात भर नहीं रखना, आप रात से पहले इसको प्रसाद के रूप में जो लेकर गया है वो चबा चबा कर उसको खा ले। ये हमने पहले की कथाओं में आपने सुना होगा,
किस किसने सुना है? सुना है सबने? तो पहले की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया होगा। हम कहते थे इसको रात भर नहीं रखना है, इसको पूरा चबा चबा कर खा लेना उसका तत्व, क्योंकि जैसे जैसे रात्रि बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे रात्रि का क्रम बढ़ते चले जाता है, भगवान शंकर का जो प्रसाद होता है उस प्रसाद पर भगवान शंकर के गणों का हिस्सा प्रारंभ हो जाता है, भगवान शिव के गणों का हिस्सा प्रारंभ हो जाता है। मध्य रात्रि के पहले पहले तक आप भगवान शंकर की जो बेलपत्र है, भगवान शिव का जो आप लोग कई माताएं, किसी के शरीर में कपड़ दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, वो शिव मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है, एक बेलपत्र बाबा की उठाकर वहां खा लेती है, लेकर आती है, बहुत अच्छा काम है। उसको लाकर आपने रख दिया, रखा है, पड़ा हुआ है, थोड़े दिन तक रखा रहा। केवल शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जो प्रसाद आपने शिव जी का लेकर आए हो उसको रात्रि के मध्य से पहले उसको पूर्ण तरह से समर्पित कर दो। नहीं तो कई बार हम बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, वहां से बहुत सारा प्रसाद लेकर आ जाते हैं, लेकर तो हम आ गए। अब वो प्रसाद थोड़े दिन तक तो तुमने दो एक दिन तक तो खाया, खाने के बाद उस प्रसाद को फिर फ्रिज के ऊपर रख दिया, फ्रिज के ऊपर से उठाया, फिर फ्रिज के बोलते जाओ जरा बोल तो फ्रिज के अंदर रख दिया, फ्रिज के अंदर रखा, सब्जी के पीछे गया, दूध की भगोनी के पीछे गया, फिर फल के पीछे गया, फिर 9-10 दिन बाद याद आया प्रसाद, 9-10 दिन बाद याद आया प्रसाद। अब प्रसाद को हिड़कर खाने लगे तो उसमें घी की गंध आने लगी, घी की गंध आने लगी तो तुमने सोचा अब ये गड़बड़ हो, अब किसको दिया बर्तन गाय नहीं, तुम इतनी जल्दी गाय को दे दोगी, हो गया कल्याण, बर्तन वाली को, सफाई वाली को। सुन, मैं वहां गई थी ना, वहां से बहुत सारा प्रसाद ले आई थी, रखा है तो ले जाना, सबको दे देना। आज के जमाने की बर्तन वाली तुम जितना VIP नहीं खाओ उससे दुगना ही VIP वो खाए, तुम्हारा ये घी की गंधा ये खाए। अरे रेंदोरी बड़ोदरा वाली हो, रेंदो तुम मेरी बहन हो, तुम तो रेंदो गजब। तुमने दिया बर्तन वाली को, बर्तन वाली ने परसा लेकर गई, रास्ते में जाते जाते उसने देखा ला खा लू, भूख लग रही थी, दो चार जगह बर्तन मांजना थे तो उसने लिया मुंह में। भाभी तो बहुत गजब कर ली, काय का प्रसाद दिया, वो चलती चलती उसने कई पटक दिया, पटका गया गया। अब वो गाय के पास गया, जमीन पर गया, गटर में गया कि कहां गया, उसका दोष उसी को लगेगा जो लेकर, जैसे गऊदान, तुमने तो ब्राह्मण को गाय दान दे दी, संकल्प तुमने छोड़ा, दान तुमने दी, ब्राह्मण गाय लेकर गया, जब तक दूध दी तब तक रखा, दूध देना बंद कर दी, उस ब्राह्मण ने दूसरे को बेच दी, दूसरे ने तीसरे को बेची, तीसरे ने चौथे को बेची, बेचते बेचते वो गाय कसाई के पास पहुंच गई। गाय जब कटी, दोष इनको नहीं लगा, दोष उसको लगा जिसने हाथ में जल, चावल, पुष्प, सुपारी लेकर, एक सिक्का लेकर जिसने संकल्प छोड़ा। बेटी का कन्यादान अगर पिता करता है और बेटी को अगर ससुराल में दुख होता है, जितने लोग रिसेप्शन में आए हैं दुख उनको नहीं होगा, बोलो रीजी जी होगा, सबने गुलाब जामुन खाई,
और बेटी को दुख आया तो सब छाती तान के खड़े हो कि बेटी को दुख कैसे आ गया, कोई नहीं बोलेगा, सब मुंडा बंद करके बैठ जाएंगे, सब खा पी के गए, लिफाफा 500 का तुम्हें दे गए और तुमसे 500 कदम की दूरी बना गए कि अब इस शादी के मामले में हमसे बात मत करना कि सुख है कि दुख है। पर जिसने कन्यादान करा वो बाबुल रोएगा कि नहीं रोएगा, वो बाप रोएगा कि नहीं रोएगा, वो मां रोएगी कि नहीं रोएगी, अगर बेटी को दुख होगा तो संकल्प देने वाला उसको रोना पड़ता ही है। तुमने संकल्प दिया और तुमने दी गाय, और वो गाय अगर दुख पा रही है, वो गाय अगर भूखी है, वो गाय अगर कसाई के हाथ कट रही है, तो दुख तुमको भोगना पड़ेगा, नरक तुमको भोगना पड़ेगा। अब तुम कहोगे हमने तो ब्राह्मण को दे दी थी, तो ब्राह्मण को दी तो ब्राह्मण ने क्या तुमसे जाकर कहा था कि मुझे गाय ला कर दो, और ब्राह्मण ने यह कहा था कि वो गाय तुम मुझको देना तो मैं संभाल लूंगा। तुमने कहा हमारे दादाजी चले गए तो गौदान करना है, हमने दादी जी चली गई तो गौदान करना है, इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है गाय उसी को दो जहां पर गौ माता की सेवा हो सके। बेटी को ऐसी जगह मत दो कि बहुत धन देख लिया, बेटी को देने से पहले ये देखो कि जिस जमाई के साथ बेटी को दे रहे हो, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याह रहे हो, वो बेटी को सुखी रखेगा कि नहीं रखेगा। मालूम पड़े पेट्रोल पंप देख लिया, ने गाड़ी ने बंगला देख लिया, और रोज बेटी आंख से आंसू ढाल ढाल के रोए अपने पापा से के पापा कहां दे दी, धन की अपने कमी थी क्या बाबूल, अगर देखना था तो लड़का तो अच्छा दिखना था, मदिरा का नशा करता है, व्यसन करता है, गालियां देता है, अपशब्द कहता है, तो ऐसा धन किस काम का, वो संपदा किस काम की। कन्यादान करने वाले बाबुल को रोना पड़ता है, गौदान करने वाले व्यक्ति को रोना पड़ता है। उसी तरह शास्त्र यहां वर्णन कर रहा है, शास्त्र कर रहा है प्रसाद आप लेकर आए उतना लेकर चलो, और लायो दलिया भर कर लायो, डब्बा भर कर लायो, मिठाई ढेर सारी लायो तो उसको बांटते हुए चलो। पर आसक्ति इतनी प्रबल होती है, जब प्रसाद ज्यादा दिखता है तो हमारी आसक्ति भी बढ़ जाती है, हमारे पास में 10 किलो लड्डू रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, बाद में दूंगी। फिर विचार आया कि मेरा बेटा खाएगा, बेटे ने विचार करा पत्नी खाएगी, पत्नी ने सोचा पोता खाएगा, पोते ने सोचा बच्चा खाएगा, जीजी खाएगी, वो प्रसाद रखा 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 रखा, सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे, ये खाएगा वो खाएगा, किसी ने खाया, आखिरी में वो फ्रिज में गया, छुप गया, छुपने के बाद फिर वो बर्तन वाली के पास, फिर वो जमीन पर गया, उसका दोष भुगतना पड़ा। फिर किसी ने कहा गुरुजी हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर हमको उतना फल नहीं मिलता, उसका कारण क्या है, अर्थात तुमने किसी ना किसी स्थान के प्रसाद का अपमान करा है, तुम्हारे फ्रिज में वो सड़ता रहा है, पड़ा रहा है, उसको तुमने सदगति प्रदान नहीं करी, इसलिए फिर तुम कहो। फिर किसी के यहाँ जाओगे, साहब हमारा व्यापार थोड़े दिन चलता, थोड़े दिन चलता ही नहीं है, हमारा मन अशांत रहता है, कारण क्या है बताओ। अब पंडित जी तो कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष है, न काल सद दोष है, न पितृ दोष है, न ये दोष है, पर पंडित जी ने ये थोड़ी ना कहा कि तुम अभी घूमने गई थी, वहां से प्रसाद लाई थी, 15 दिन तक पड़ा रहा, लाई और रखा। अब और सरल भाषा में लो, तुम अपने मायके से तुम्हारी बहन की छोरी को लेके तुम अपने ससुराल आई, और समझ लो बड़ोदरा वाली, और अच्छे से समझ लो, और जितने आस्था चैनल पे सुन रहे हैं वो भी समझ लो, तुम गई मायके अपनी बहन की छोरी को लिया, अब बहन की छोरी को लेकर आई, एक दिन बहन की छोरी का सम्मान करा, 2 दिन करा, अब वो बहन की छोरी को थोड़ी पढ़ाई करना थी तो उसने मासी मैं यही रह जाऊं, मासी ने कहा हाँ। अब उस बहन की छोरी का सम्मान तुम्हारा ना पति करे, ना तुम्हारे छोरा छोरी करे, ना तुम्हारी सास करे, ईमानदारी से बोलो वो बहन की छोरी यहाँ रहेगी क्या, बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं रहेगी ना, वो तो कह देगी मासी ओ मासी, मासी बोले हाँ बेटा ये सब लगाते मुझे फांसी, मैं जा रही मासी, अब वो तो छोड़ी और चल। उसने कहा बेटा तुझे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूं, नहीं बेटा किसी ने कुछ कह दिया, नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं, वो चेहरे से पहचान गए। उसी तरह जब तुम इतने लाड़ प्यार से अपनी बहन की छोरी को लेकर आए
उसका आदर नहीं हुआ तो बहन की छोरी नहीं टिकती है। और दूसरी बार वो बहन की छोरी से तुमने कहा चल मेरे घर, अब आएगी? अरे बोलो तरी, उधर टेंट वाले बोलो जरा, आएगी नहीं आएगी? क्यों? एक बार गई थी और इसने सम्मान नहीं करा, क्या करना? और वो चार जगह कह देगी चले मत जाना मासी के यहां, उनकी सास और उनकी ओला बहुत मुंह सड़ा है। जैसे तुमने बहन की छोरी के लिए कहा वैसा कि वैसे ही प्रसाद में, कभी मत जाना इसके घर में, प्रसाद खाने के नाम छोरा कहे मैं डाइट टिंग कर रहा हूं, छोरी के मम्मी तो ऑयली में नहीं खा सकती, सास के मेरे मुंडा में सोफा से तो मुझसे तो चबे ही नहीं, और पति के मुझे ये ढोंग प्रपन पसंद नहीं, तो फिर बच्ची तू अकेली तो बहन की छोरी को क्यों लाई? समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ नहीं तो भाषा का अंतर आ रहा हो थोड़ा बहुत, हम मध्य प्रदेश के तुम गुजरात के, कहीं अगर थोड़ी बहुत आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो पड़ोसन का मुंडा देख ले, बस उत्तर में समझ जाना कि इसको समझ में आ गया मतलब अपने को, ठीक है? अब उसमें तुम्हें समझ जाना है तब। अब बहन की छोरी को लेकर अब कौन आ रहा है? अब भगवान कहे कि अब प्रसाद का इसकी यहाँ सम्मान नहीं है, जब प्रसाद का सम्मान नहीं मतलब मेरा सम्मान नहीं, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। एक प्रसाद के दो टुकड़े हो गए थे, एक प्रसाद के दो टुकड़े हो गए थे, दो टुकड़े। तो नारी को भी आधा आधा ही फल प्राप्त हुआ था। जरासंध की मां, सुनिए कथा, राजा जरासंध की माता के पास में, राजा जरासंध के पिताजी तप कर रहे हैं, देवता प्रसन्न हो गए, फल दे दिया, पर 24 घंटे के अंदर रात्रि होने से पहले यह फल खाना चाहिए। राजा जरासंध के पिता की दो पत्नियां थी, फल भेजा, पक्षी को बुलाया, पक्षी जल्दी आ, ये फल ले जा मेरी पत्नी को दे दे, रात होने से पहले खिलाना, ये फल ले जा, ये शिव का प्रसाद है, ले जा। फल पहुंचा पत्नी के पास में, पत्नी ने विचार करा हम राजा की दो पत्नियां, फल एक है, क्या करना चाहिए, काट कर खा लेना चाहिए। दोनों ने आधा काट कर खा लिया। राजा को लगा कि मेरे यहां संतान नहीं थी, भगवान ने कृपा कर दी, मेरी दोनों रानियां गर्भवती हो गई। जब इनके गर्भ से संतान हुई, गर्भ से जब औलाद हुई संतान हुई, तो आदिनाक एक कान एक आंख एक हाथ एक पांव, एक रानी के गर्भ से हुआ एक आंख एक कान एक हाथ एक पांव, दूसरी रानी के गर्भ से। राजा के पास सूचना गई, महाराज रानियों को संतान तो ही है पर दोनों विकलांग अधूरी, आधा शरीर ही नहीं बना उनका, एक रानी को एक आंख एक हाथ एक पांव एक श्रवण शक्ति। श्री राम जी महाराज हमारे बीच में पधारे, एक बार दंडवत प्रणाम करते हुए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री राम जी। राम स्नेही संप्रदाय के परम रसिक संत शिरोमणि हमारे बीच में विराजित हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री राम जी महाराज के पावन। गुरुवर से दूसरी बार मिलना हुआ, एक बार अपना पैलेस में श्री मुन्ना जी राठौर द्वारा कथा में मिलन हुआ था, तो श्री वाले प्रणाम। आधा शरीर आधा नेत्र, एक श्रवण
एक हस्त एक पांव एक रानी का होता है, एक नेत्र एक श्रवण एक नासिका का छिद्र, एक हाथ एक पांव एक रानी का होता है। विचार किया महाराज, रानी को संतान तो हुई है पर अधूरी हुई है। अधूरी संतान? हां, क्या करा जाए? फेंक दिया जाए उसको, कहीं जमीन में गाड़ दिया जाए? आदि आदि संतान को एक नारी को दिया, दासी को, जाओ इसको जंगल में फेंक दो। जंगल में ले जाकर फेंक दिया, रानी रोती रही, हमारी औलाद भी दी भगवान ने तो, आदि आदि दी, ऐसी कैसे हो गया, कैसे हुआ है? रो रही, आंखों से अश्रु बह रहा है रानी। राजा ने पूछ लिया अपने गुरुजी से, गुरुवर बताइए, मेरे घर में संतान होना थी, जब भगवान ने फल दिया था, प्रसाद दिया था, वो प्रसाद के कारण भगवान बोले थे कि तेरे घर में संतान हो जाएगी, तो फिर संतान आदि आदि क्यों हुई? भगवान देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, राजन तेरे यहां जो संतान हुई है, मेरे प्रसाद का हिस्सा आधा आधा कर दिया गया था, इसलिए संतान भी आती आती। बच्चा पड़ा हुआ है, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर पड़ा है, वहीं से एक राक्षसी निकल कर जा रही थी जिसका नाम था हुई। उसने देखा बच्चा रो रहा है पर आधा है, उसके होठ भी आधे कटे हुए हैं, आंख एक है, परंतु उसने उठाया। आगे जाकर देखा दूसरी जगह बच्चा रो रहा था, उसने उसको भी उठाया। उस अहोई राक्षसी माया जानती थी और माया से इतना ज्यादा प्रबल हो गई, दोनों बच्चों को हाथ में लेकर उसने ईश्वर का स्मरण करा भगवान का और अपनी माया से बच्चे को जोड़ दिया। बच्चा रोने लगा, एक हो गया। राजा के पास लेकर चली गई, महाराज ये आपका पुत्र है, इसको संभाल कर रखिए। राजा ने कहा था, माँ मेरा बच्चा तो आधा आधा हुआ था, ये पूरा कैसे हो गया, ये पूर्ण कैसे हो गया? उस अहोई राक्षसी ने महाराज को गोदी में बच्चा दिया और महाराज को हथेली पर उठाकर अहोई लेकर चली गई। श्रीमद् भागवत का यह संवाद बड़ा सुंदर है, प्रसाद की महत्वता में अपने से श्रवण करें। अहोई ने उठाया जरासंध के पिता को, हाथ में लेकर गई और राजा पूछ रहा है, ये मेरा बच्चा तो टुकड़े में हुआ था, एक आंख एक नासिका का छिद्र, एक हाथ एक पांव, इसका दूसरा टुकड़ा अलग था, ये एक कैसे हो गए? अहोई ने ले जाकर एक शिवालय में जरासंध के पिता को बिठा दिया और कहा, जिस शिवालय की मैं आराधना करती हूँ, जिस शंकर का मैं गुणगान करती हूँ, मैं हूँ राक्षसी पर मैं शिव का भजन करती हूँ और शंकर का स्मरण करती हूँ, इन शिव के जल से मैंने आपके पुत्र को फिर जीवित कर दिया। एक कर सुनो राजन, आपके बेटे को कोई नहीं मार सकता, बड़ा वीर बनेगा, प्रबल बनेगा, वीरता में प्रखर होगा, पर जिस दिन इसके शरीर के टुकड़े कर विभाजित कर फेंक दिए जाएंगे, उस दिन ये समाप्त हो जाएगा। जब बार बार भीम ने जरासंध को बीच में से फाड़ दिया, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया, तब भगवान द्वारिकाधीश शंकर भगवान डमरू वाले को पूछते हैं, रे नागेश्वर नाथ, हे मेरे सोमनाथ, बताओ तो, मैंने रामेश्वर की स्थापना करी है, मैं लंका जाते समय आपकी पूजन करा हूं, आज फिर उलझन में पड़ा हूं, आप मार्ग दीजिए कि ये मरेगा कैसे। शिव जी ने कह दिया, ए वसुदेव, ये इतनी जल्दी ऐसे मरने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ही प्रसाद से फलीभूत हुआ है, पर
दो माताओं के द्वारा इसका जन्म है, अगर इसका भाग विभाजित होगा और ये अलग अलग फेंकेंगे तब जाकर इसके प्राण छूटेंगे। असुर है, अहंकारी है, ये मार्ग भ्रष्ट करता है, इसका मरना निश्चित है। पर भगवान कृष्ण ने तिनका तोड़ा, दो भाग विभाजित कर कर फेंके, तब समझ में आया भीम को, तब जाकर मरा। तब मरा है। किसकी पूजन करता था जरासन? उसके पिताजी किसको मानते थे? भगवान शिव को, क्योंकि अहोई ने बताया था कि शिव जी के द्वारा प्रकट हुआ है, शंकर भगवान के द्वारा वापिस जीवित हुआ है, और जो अहोई ने शिव के द्वारा ले जाकर छोड़ा था, तो वो अहोई को आज तक लोग पूछते हैं। और यहां पूछते कि नहीं पूछते ही नहीं मालूम, पर मारवाड़ में आज भी अहोई अष्टमी होती है, जिसमें संतान देने वाली माता की पूजन होती है। अब उनको कौन बताएगा कि ये वो अहोई है जिसने जरासंध को जीवित कर दिया था, दो भाग से एक कर दिया था, आज भी अहोई अठे होती है, अहोई अष्टमी की पूजन होती है। यहां कोई करता कि नहीं करता मालूम नहीं, पर मारवाड़ में आज भी अहोई अष्टमी की पूजन की जाती है। जरासंध के पिता भी शिव की पूजन करते थे, जरासंध भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि पांडव शंकर की पूजन नहीं करते थे, पांडव भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि कौरव शिव की पूजन नहीं करते थे, कौरव भी शिव की पूजन करते थे। जबी तो भीम, जरासंध और दुर्योधन, ये तीनों शंकर की आराधना करने गए, तीनों शिव तत्व को पाने के लिए गए। कितना बलवान, शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा, शिव पे जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा, इसके सिवाय ना अन्न खाना, ना फल खाना, ना कुछ प्राप्त करना। जरासंध, दुर्योधन और भीम तीनों मित्र थे प्रबल, बैठ गए शिव की आराधना में, शिव को जल चढ़ाते थे, आचमन करते थे, जल चढ़ाया, आचमन करा, ना फल खाना, ना कुछ अन्न खाना, ऐसे हजारों वर्ष निकाल दिए ने यही करते करते, कई वर्षों की तपस्या कर ली इनने केवल शिवजी पे चढ़े हुए जल से। भीम से रहा नहीं गया, भीम ने कह दिया मुझे बहुत भूख लग रही है जरासन, दुर्योधन मुझे भूख लग रही है। दुर्योधन कहने लगा तू तो बड़ा भूखा व्यक्ति है, तुझे बड़ी भूख लगती है, हम शंकर भगवान को चढ़ा हुआ केवल चरणामत लेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं लेंगे, तेरी मर्जी पड़े जहां चले जा। अब इन दोनों ने चरणामत लेना प्रारंभ करा, भीम उठे फल खाने चले गए, और इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुमको। जरासंध और दुर्योधन ने दोनों ने कहा हमको 20,000 हाथी का बल दे दीजिए। जरासंध और दुर्योधन करें 20,000 हाथी का बल दे दीजिए हमको, इतना प्रबल बल हमको चाहिए। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, दिया 20,000 हाथी का बल। अब इनको अभिमान आ गया, भीम के पास आए और आते से कहते हैं कितना भूख मरा है बताओ, हमको वर मिल गया और इसको कुछ नहीं मिला, खाने के चक्कर में रह गया। भीम ने केला फल सब छोड़ दिया, शंकर जी की आराधना करने चले गया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, क्यों? शंकर भगवान को मालूम है ये इनसे ज्यादा चतुर है, ये वर मांगेगा। अगर मैंने दुर्योधन और जरासंध को 20,000 हाथी का बल दिया है तो शिवजी जानते हैं ये 40,000 से कम नहीं मांगेगा। बहुत विद्वत्ता होती है बड़े बेटे में और छोटे बेटे में, बहुत अंतर होता है। बड़ा लड़का कभी भी मम्मी पापा से इतना पैसा नहीं मांगता है कि पापा मुझे इतना देना, बस मांगेगा तो थोड़ा बहुत,
5,000 दे दो, 500 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, और छोटा इतना खोटा होता है ना, वो जब बीवी आएगा तो मम्मी के पास जाएगा, पापा के पास बात बड़ा बाप को प्रिय, छोटा माँ को प्रिय, तुरंत जाएगा मम्मी क्या है। सारे स्कूल के लोग जा रहे हैं पिकनिक, मेरे को भी जाना है, ये ले कितने रुपए ले जाना है, 5,000 ये ले, ये तो स्कूल में ही जमा हो जाएंगे। अब बड़ा बेटा इतना नहीं कह सकता था, मम्मी ये तो सब स्कूल में जमा हो जाएंगे, मुझको तो दो इसी में से सब कर ले, नहीं मेरे को तो अलग से चाहिए। मां ने निकाला दे दिया, ये ले। फिर गया वो पापा के पास, पापा क्या हुआ, सब जा रहे हैं पिकनिक मनाने, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, नहीं जाएगा तू, सब ने जाना है, मेरे को भी जाना है, तब मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मत दो, मम्मी ने दे दिया है। ठीक है चले जा, मम्मी ने तो स्कूल में जमा करा था, 1 रुपया भी मेरी जेब में नहीं है। सब कहते हैं बाप इतना पैसे वाला, औलाद को देखो ऐसी दे रही, और सारे दोस्त चाउमीन खाएंगे और मैं नहीं खाऊंगा, अच्छा लगेगा। पापा ने 200 रुपये, 200 ये 200 में तो दो दोस्त ही होंगे। फिर पिताजी ने 500 दिए, चल जाए यहां से, इतना होशियार भैया। भैया बोले क्या है भाई तेरे पास कुछ है क्या, क्यों क्या हो गया, मैं सारे दोस्त पिकनिक करने जा रहे हैं भाई, प्लीज दे देना कुछ। छोटा भाई ने दे दिया, जी जी बोली हाँ, तेरे पास कुछ है क्या, देना 200 रुपए दे दे। उसको मालूम इससे ज्यादा देगी भी नहीं, तो उसने 200 ही मांगा, 200 से ज्यादा ही देने वाली है नहीं, 200 ही मांगा, और उसने भी कह दिया नहीं दूंगी, मेरे पास 200 रुपए है नहीं, तूने भी तो राखी पे मुझे 200 ही दिया थे, नहीं दूंगी, तो आप 50 ही दे दे। वो हमारे यहाँ कहते भागते भूत की लंगोटी काफी, तो उसने 50 ही दे दे, इन्हें 50 ही ले लिया, 50 ले लुआ के बस। अब शिवजी इसके सामने नहीं आए, भगवान शंकर भीम के सामने आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। शंकर भगवान को मालूम था ये बहुत चतुर है, एक बार मैं छुप गया था इस भीम से जाकर, पांडव जब केदारनाथ आए मैं जाकर छुप गया, ये मुझे पहचान गया, ना मुझे युधिष्ठिर पहचाना, ना मुझे अर्जुन पहचाना, ना नकुल ना सहदेव पहचाने, मैं नंदी के रूप में था। इसने इतनी चतुरता करी कि एक पर्वत पर पांव रखा, दूसरे पर्वत पर पांव रखा, और क्या कहे, सारे पशुओं को दौड़ाओ मेरे नीचे से, इधर से निकालो, सारे पशु निकल गए। शंकर भगवान के मैं नंदी के रूप में इसके नीचे से तो नहीं निकलूंगा, शंकर भगवान गए नहीं, इसने पहचान किया। युधिष्ठिर ने कहां भाग रहे हो भीम, भीम के मैं शंकर जी को पहचान किया, शंकर जी आगे और भीम पीछे नंदी बनकर, आखिरी में नहीं बना तो शंकर भगवान नंदी के रूप में गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही गुफा में घुसते नंदी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर कूद पड़ा भीम, और कूदा तो नंदी की जो पीठ का अग्र भाग था वो पकड़ाई में आ गया, शंकर भगवान सब अंदर, नंदी की अग्र भाग पीठ आज भी केदारनाथ जी में, वो पीठ जो भीम ने पकड़ी थी वो केदारेश्वर के रूप में विराजमान आज भी, आज भगवान कहे नहीं जाऊंगा मैं, ये ज्यादा मांग लेगा, भगवान नहीं गए। आखिरी में जब शंकर भगवान नहीं गए तब पार्वती जी ने कहा तुम्हें जाना चाहिए कायदे से पूछने के लिए, जाओ जरा। पार्वती जी बोली, शिव जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा।